और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम कर रहे हैं। अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे। नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की है और इस मुलाकात के बाद चर्चा भी शुरू हो गई है कि इसके पीछे रणनीति क्या बनी है, क्या देश में तमाम विपक्षी ताकतें एकजुट होगी, क्या तमाम पार्टियों को एक मंच पर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर लाएंगे, क्या राहुल गांधी के साथ चलने को तमाम दल तैयार हैं, कांग्रेस के साथ सहमति बनेगी। तो देखिए, अब रणनीति जो है वो बन चुकी है। दिल्ली में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार ने मुलाकात किया है राहुल गांधी से, मल्लिकार्जुन खड़गे से, लगभग आधे घंटे तक बातचीत भी हुई है और आगे क्या कुछ करें। बातचीत के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राहुल गांधी, जरा वो सुनिए। आप सभी को नमस्कार। आज यहां पर राहुल जी और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी, तेजस्वी जी और सारे पार्टी के नेतागण और दोस्तों, हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीज़ें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलके तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना, तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और ललन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू। अभी तो बात नहीं, हम लोग बैठ करके अभी काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे, सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे, ये बात तय हो गई है। और इन सब चीज़ों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बातचीत, हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। तो ये अरे आप तो मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए। जो खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि
अपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर, जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। थैंक यू। तो दिल्ली में बड़ी सियासी रणनीति बनी है, देश में मिशन 24 को सफल बनाना है और 24 में बीजेपी को गद्दी से हटाना है, इसके लिए एक रणनीति बनी है। और साफ तौर पर आप सुने तमाम नेताओं को कि अभी तो कवायद शुरू हुई है, सभी लोग आगे आएंगे, सबका एजेंडा बस एक है। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें, धन्यवाद।